नमस्कार, मैं भास्कर भात्रे, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। आपको पता है 14 नवंबर टू 20 नवंबर कोऑपरेटिव वीक, नेशनल कोऑपरेटिव वीक पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में मनाया गया है। एंड उस अवसर पे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन हाउसिंग कोऑपरेटिव्स भी पब्लिश किया है। वैसे ही जल्दी ही 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। ये सब पे जानकारी देने के लिए हमने आज एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे श्रोते को इन बारे में जानकारी दे दें। धन्यवाद मात्रे सर। 14 नवंबर से 20 नवंबर को हम नेशनल कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट करते हैं और इसी नवंबर के 26th डे को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो नवंबर 2023 की अगर हम बात करें और इस नवंबर 2023 के नेशनल कोऑपरेटिव वीक की बात करें, तो इसमें जो एजेंडा हमारा था वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट इनैक्ट किया है। यानी हम सभी ने, मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को दिया गया है। तो इस तरह से इस मंथ की हम दो टॉपिक्स की बात करते हैं और नेशनल कोऑपरेटिव वीक नवंबर 2023 की अगर हम हाउसिंग रिलेटेड बात करें तो हाउसिंग कोऑपरेटिव को एक बड़ा न्यूज़ जो है वो बड़ी न्यूज़ इस 2023 के नेशनल कोऑपरेटिव वीक में उभर कर आई है। और वो न्यूज़ है कि सेंट्रल स्तर पे यानी NCOI के माध्यम से हाउसिंग कोऑपरेटिव का एक मॉड्यूल यानी कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रदान करने के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव का जो एक मॉड्यूल है वो फ्रेम किया गया है और उस फ्रेम करके वो मॉड्यूल जो है वो हमारे इंडिया के सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर के लिए वो दिया गया है। ये जो हाउसिंग मॉड्यूल बुक है ये हमारे लिए एक बड़ी न्यूज़ हम इसीलिए कहते हैं ताकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस हैं, हमारे जो स्टेट फेडरेशंस हैं, इसका काफ़ी सारा योगदान, काफ़ी बड़ा योगदान जो है इस हाउसिंग मॉड्यूल में है। और इस हाउसिंग मॉड्यूल के लिए हम जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक में जिसका लॉन्च हुआ था, यानी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो इस हाउसिंग मॉड्यूल का लॉन्च किया है, उस हाउसिंग मॉड्यूल को उन्होंने सारे इंडिया के हाउसिंग कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए फॉर एजुकेशन, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स, ऑफिस बेयरर्स एंड द मैनेजर्स, ये सारों के लिए उन्होंने वो एक कोऑपरेटिव का हाउसिंग कोऑपरेटिव एजुकेशन के माध्यम से प्रदान किया है। इस हाउसिंग कोऑपरेटिव जो मॉड्यूल है ये अमेजोन के जरिए भी आप इसे परचेस कर सकते हैं और वहाँ पे वो बुक जो है वो अवेलेबल है। उसी तरह अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे और कोऑपरेटिव का जो संगम है वो संगम के बारे में हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव का जो योगदान है, यानी जब प्रीएम्बल की ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रही थी तब कोऑपरेटिव ये शब्द को इंसर्ट करने के लिए ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने एक मोशन मूव किया था, लेकिन कुछ कारणों से वो कोऑपरेटिव का जो शब्द है वो प्रीएम्बल में हमारा नहीं आ सका। लेकिन जब हम 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 की बात करते हैं तो उस 2011 के 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कोऑपरेटिव रिलेटेड 3 पार्ट्स जो है वो इंसर्ट किए गए। फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट्स में था, यानी आर्टिकल 19(1)(c). पहले आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, एवरी सिटीजन का फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, उसमें पहले कोऑपरेटिव ये शब्द नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव ये शब्द आर्टिकल 19(1)(c) में 97 अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आवर फंडामेंटल राइट्स।
उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी आर्टिकल 43 कैपिटल बी में कोऑपरेटिव यानी स्टेट को कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को डायरेक्शंस दिए कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कीजिए। किस तरह प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट करने के जो जरिए हैं वो भी उन्होंने आर्टिकल 43 बी में इंसर्ट किए गए। तो कौन से माध्यम है, फर्स्ट है वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक सेटअप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इन चारों के जरिए आप हाउसिंग कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कीजिए, उन्हें अपलिफ्ट कीजिए। और इसी आर्टिकल 43 का जो बी का स्तर या उसका जो बेस फाउंडेशन लेके हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने ये हाउसिंग मॉड्यूल को जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का अपलिफ्टमेंट हो, हाउसिंग कोऑपरेटिव का प्रमोशन हो। उसी तरह 97 अमेंडमेंट की हम बात कर रहे थे, उसी तरह एक चैप्टर जो है वो पार्ट 9 बी में इंसर्ट किया गया है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड। लेकिन कुछ जजमेंट्स हम देखते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये उभर के आया था कि जब आर्टिकल 19(1)(c) जो फंडामेंटल राइट है एंड आर्टिकल 43 कैपिटल बी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कोऑपरेटिव्स में दो बड़े स्तंभ है, वो दोनों स्तंभ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और वो अभी भी इंटैक्ट है। इस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑपरेटिव का थोड़ा संगम जो है वो देखने का प्रयास किया। अब हम हाउसिंग कोऑपरेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमें क्लियरली वो डिफरेंस जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और हाउसिंग कोऑपरेटिव का जो संगम है वो क्लियरली इस माध्यम से मतलब प्रीएम्बल के जो माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है यानी 85 वर्ड्स जो प्रीएम्बल में इंसर्ट किए गए हैं, उस 85 वर्ड्स में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है, सोल है, वो हमें दिखाई देता है। और उस प्रीएम्बल को अगर हम कोऑपरेटिव यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसे हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का रियल इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं या जो रियल अर्थ है वो उसमें उभर के आता है। तो हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन पांच शब्दों को जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी सॉवरेन है, सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट, बाहर का हस्तक्षेप सोसाइटीज में कम से कम होना, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कहा गया है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग। उसके बाद हमने कहा गया है सोशलिस्ट कंसेप्ट, सोशलिस्ट कंसेप्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस इक्वली टू ऑल द मेंबर्स। हम देखते हैं हमारे हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है, मेंबर्स के इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर, हमारे हाउसिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम कंपेयर करेंगे इट इज आल्सो अ सेक्युलर, सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्षता यानी सारे धर्मों का हम रिस्पेक्ट करते हैं और सारे रिलीजन्स जो है वो हम उसे मानते हैं। और जब रिलीजन की बात होती है तो वी आर न्यूट्रल, हम किसी की तरफ भी बायस नहीं होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक एंड उसके बाद है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक यानी जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो हर 5 इयर्स में वी टेक इलेक्शंस, एंड रिपब्लिक की बात करते हैं तो ईयर एनी वन कैन बिकम द ऑफिस बेयरर्स, एनी मेंबर्स इज एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द ऑफिस बेयरर्स। उसके आगे अगर हम प्रीएम्बल को थोड़ा गौर से हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखे है टू प्रोवाइड इट सिटीजन्स जस्टिस, एंड जस्टिस कौन से, तो जस्टिस इज सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी हमने ऑलरेडी सोशलिस्ट कंसेप्ट पे देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस इक्वली, यहाँ पे इक्वल मेंटेनेंस हम लेते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिकली जस्टिस, ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे इलेक्शंस में हम देखते हैं कि रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स है, पॉलिटिकल जस्टिस। उसके आगे लिखा है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एंड वर्शिप, लिबर्टी यानी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(c). जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो ऑलरेडी कोऑपरेटिव या आर्टिकल 19 में इंसर्ट किया गया है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप,
हम देखते हैं कि हमारे जनरल बॉडी मीटिंग्स में हम सारे मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, ट्रांसपेरेंसी देते हैं, फेयर प्ले देते हैं, उसी को ही लिबर्टी के टॉपिक में कवर किया गया है। उसके आगे है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे पास कोई 1 BHK का फ्लैट हो या 4 BHK का फ्लैट हो, हम दोनों को मेंबर करके ट्रीट करते हैं और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स या जनरल बॉडी मीटिंग्स या इन द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके आगे का जो शब्द है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एंड वो शब्द है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी बंधु भावना, यानी द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसका मतलब है जब हम हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वी लिव एज वी आर इन अ फैमिली, तो ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर एज ए फैमिली एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है वो जनरेट होके यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और यही हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की स्ट्रेंथ है, और इसी कोऑपरेटिव को हम नेशनल कोऑपरेटिव वीक के जरिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डे का संगम देख के हम हमारे जो गोल्स हैं 17 गोल्स जो हमने लिए हैं और 169 टारगेट्स जो हमने रखे हैं उसे हम अचीव करने का एक प्रयास करेंगे। इस माध्यम से हमने ये सारे तीनों टॉपिक्स जो है वो कवर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ऐसे ही वीडियोज़ हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।